hello everyone welcome to economics classes today we are going to discuss the most important question from indian economy it's part 1 and all these question is very helpful for your competitive exams so let's start from first question in which year first five year plan was launched so first five year plan was launched in 1951 and the duration of first five year plan was 1951 to 56 एंड जो मेन फोकस किया था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में वो किया था एग्रीकल्चर पे नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हु नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन सो द फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नाउ वट इज ग्रीन रेवल्यूशन ग्रीन रेवल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस जिसमें क्या हुआ था जो व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई थी ये कॉन्सेप्ट आया था 1965 में इसमें क्या था एच सीड्स का यूज़ किया था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ फेमस पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया सो द आंसर इज दादा भाई नरोजी एंड जो इंडिया में सबसे पहले पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो किसने किया था दादा भाई नेहरौजे ने मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच अमंग द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान वाज लॉन्च विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी सो जो मेन फोकस किया था ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पे वो किया था फोर्थ फाइव ईयर So, the answer is fourth five year plan. Moving on, next question question number fifth Which among the following is not correctly matched? So, Human Development Report UNDP, it's right. Human Poverty Index UNDP, Sustainable Development Goals UNDP, United National Development Program. But Education Development Index, it's also related to UNDP, not related to UNICEF. So, the answer is option b the correct answer is option b moving on next question question number 6 at which of the following places the accountancy museum is located in india so the answer is noida moving on next question question number 7 which among the following has been adopted by the tandulkar committee for measuring poverty so the answer is cost of living and poverty is related to which committee? tandulkar committee. so, cost of living has been adopted by the tandulkar committee for measuring poverty. moving on next question, question number 8. which of the following committee is known to lay the foundation for induction of computer technology in the indian banking sector? so, the answer is dr. rangrazan committee. ये कमेटी बनाई थी अपग्रेड करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी थी इसको अपग्रेड करने के लिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इन हाउ मैनी लैंग्वेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल एजुकेशन वेबसाइट इज अवेलेबल जो हमारी आर की एजुकेशनल वेबसाइट है उस पर कितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं सो द आंसर इज थर्टीन फुल फॉर्म ऑफ आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई कब एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में एंड एट करंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ आर बी आई शक्तिकांत दास शक्तिकांत thus now moving on next question question number 10 the portion of profit that a company distribute among the shareholders in the form of cash is usually known as dividend moving on next question question number 11 during which five year plan the khadi and village industries commission was established so it's related to second five year plan क्योंकि जो हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान था उसमें फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और जो हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था 1951 टू 56 के बीच में उसमें मेन फोकस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाई डज डिमांड ऑफ ए कमिटी रिड्यूस किसी गुड्स की या किसी कमोडिटी की डिमांड कब कम होती है तो किसी कमोडिटी की डिमांड उस समय कम होगी जब उसके प्राइस इंक्रीज होंगे इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स कॉस्ट फॉर ए फर्म सो द आंसर इज लैंड एंड लेबर इज काउंट इन वेरिएबल फैक्टर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ए क्लोज इकोनॉमी सो what is closed economy closed economy means there is no export or no import that is closed economy so the answer is no international trade moving on next question question number 15 the government has launched the udyami helpline for which of the following सो जो उद्यमी हेल्पलाइन थी वो हमारी लॉन्च की थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन इंडिया द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग तो हमने जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन पढ़े थे तब एक फंक्शन था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व तो जितना भी कैश है वो अपने पास रखता है कौन आर बी आई ओके सो द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु इज कॉल्ड फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सो द आंसर इज एडम स्मिथ एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ बुक इन्होंने पब्लिश की थी 1776 में सो एडम स्मिथ इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 18 हु इज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया सो डॉक्टर वर्गीश कुरियन इज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं एम एस स्वामीनाथन सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया तो जो इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है वो है सिक्किम और सेकंड स्टेट है उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर 20 ड्यूरिंग विच फाइव ईयर प्लान डिड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड फाइव स्टील प्लांट वर प्लान सो द आंसर इज सेकेंड बिकॉज जो हमारा सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसमें मेन फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में और जो हमारा इसमें जो हमारे फाइव जो स्टील प्लांट्स ओपन किए थे वो किए थे भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग